आसमान में चमकते हुए इन तारों ने हमेशा से ही हमें अपनी ओर आकर्षित किया है। अपनी सभ्यता की शुरुआत से ही हम इंसानों ने इन तारों के रहस्य को जानने की कोशिश की है। आज हम तारों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जैसे इनका जन्म कैसे होता है, इनकी मृत्यु कैसे होती है और ये हमारी जिंदगी को किस तरह से प्रभावित करते हैं। दुनिया के बहुत सारे एस्ट्रोनोमर्स ने तारों के बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठाया है और अच्छी बात यह है कि उन सभी एस्ट्रोनोमर्स में से कुछ नाम फीमेल एस्ट्रोनोमर्स का भी है। आज हम एक ऐसी एस्ट्रोनोमर के बारे में जानने वाले हैं जिनकी डिस्कवरीज ने तारों के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, और ऐसा करने से ना तो ये समाज उन्हें रोक पाया और ना ही उनकी बीमारी। ये हैं एनी जंप कैनन, एक एस्ट्रोनॉमर जिन्होंने तारों की जनगणना की। एनी जंप कैनन का जन्म 11 दिसंबर 1863 को अमेरिका के डेलावेयर में हुआ। उनके पिता का नाम विल्सन कैनन और माँ का नाम मैरी जंप था। हम सबकी लाइफ में हमारी माँ का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उनकी टीचिंग ही हमारे जीवन का आधार बनती है और एनी जंप कैनन के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उनकी माँ वो पहली इंसान थी जिन्होंने उन्हें साइंस पढ़ने के लिए इंकरेज किया था। उन दोनों माँ बेटी ने मिलकर अपने घर की छत पर एक छोटी सी ऑब्जर्वेटरी बनाई थी जिसमें बैठकर वे दोनों आसमान में दिख रहे तारों को आइडेंटिफाई किया करती थी। अपनी माँ की एडवाइस और प्रोत्साहन की वजह से ही एनी जंप कैनन एक एस्ट्रोनॉमर बन पाई। वह अपने शहर की उन पहली लड़कियों में से एक थी जो कॉलेज तक पहुंच पाई थी, और यह सब कुछ पॉसिबल हो पाया था तो सिर्फ और सिर्फ उनकी माँ की वजह से। 1884 में उन्होंने फिजिक्स में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और इसके बाद उन्होंने फोटोग्राफी सीखी। अपनी फोटोग्राफी के पैशन को फॉलो करते हुए उन्होंने यूरोप में ट्रेवल किया और बहुत सारी फोटोग्राफ्स ली। उनके द्वारा ली गई फोटोग्राफ्स को इन द फुटस्टेप्स ऑफ कोलंबस नाम के एक पैम्फलेट में पब्लिश किया गया था। 30 साल की उम्र में उनकी जिंदगी ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। एनी जंप कैनन स्कारलेट फीवर नाम की बीमारी से ग्रसित हो गई, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी सुनने की क्षमता को पूरी तरह से खो दिया। बहरे होने की वजह से उन्हें समाज में घुलने मिलने में काफी दिक्कत होने लगी और इसलिए उन्होंने अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। अभी वह अपनी बीमारी से उभरी भी नहीं थी कि जिंदगी ने उन्हें एक नया जख्म दे दिया। अगले ही साल उनकी माँ की मौत हो गई, जिसके बाद घर पर रहना उनके लिए काफी मुश्किल हो गया। एनी ने अपने कॉलेज के फिजिक्स प्रोफेसर सारा फ्रांसिस विटिंग को पत्र लिखा और उनसे नौकरी के लिए रिक्वेस्ट की। सारा ने उन्हें अपने कॉलेज के जूनियर फिजिक्स टीचर के रूप में हायर कर लिया। ज्यादा अच्छे टेलीस्कोप को यूज करने की चाहत में एनी जंप कैनन रेडक्लिफ कॉलेज से जुड़ गई और वहां पर एक खास छात्र के रूप में एस्ट्रोनॉमी में अपनी पढ़ाई जारी रखी। एस्ट्रोनॉमी में उनके इंटरेस्ट को देखते हुए महान एस्ट्रोनॉमर चार्ल्स पिकरिंग ने उन्हें अपने असिस्टेंट के रूप में हायर कर लिया। चार्ल्स पिकरिंग उस वक्त हार्वर्ड कॉलेज ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर थे। 1901 तक हार्वर्ड में सिर्फ मर्द ही काम किया करते थे, लेकिन चार्ल्स पिकरिंग ने इस नियम को तोड़ दिया। उन्होंने तारों का नक्शा तैयार करने और उन्हें क्लासिफाई करने के लिए औरतों की एक टीम बनाई। उस टीम को हार्वर्ड कंप्यूटर्स कहा जाता था। एनी जंप कैनन इसी टीम का हिस्सा थी। यहाँ काम करते हुए एनी जंप कैनन ने 2.5 लाख तारों को कैटलॉग किया था और 300 वेरिएबल स्टार्स को डिस्कवर किया था। इसके अलावा उन्होंने 5 नोवास को भी डिस्कवर किया था। वो अपने काम में इतनी माहिर थी कि तारों के स्पेक्ट्रल पैटर्न को सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास से देख कर ही वो 1 मिनट में 3 तारों को क्लासीफाई कर दिया करती थी। उनका टैलेंट देखकर शायद आप ये सोचें कि इतनी टैलेंटेड एस्ट्रोनॉमर को उनके काम के लिए एक अच्छी खासी सैलरी मिलती होगी, पर ऐसा नहीं है। हर घंटे के हिसाब से उन्हें सिर्फ 25 सेंट्स ही दिए जाते थे, जो उस टाइम पर किसी नौकर की सैलरी से भी कम था। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि सैलरी ना सही, पर रिस्पेक्ट तो मिलती ही होगी इन्हें क्योंकि इतनी टैलेंटेड थी। तो ये बात भी गलत है। एनी और उनके साथ काम करने वाली सभी औरतों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि औरतें हाउसवाइफ ही अच्छी लगती हैं, एस्ट्रोनॉमर नहीं। उन्हें घर में ही रहना चाहिए, किसी ऑब्जर्वेटरी में नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें एनी जंप कैनन को नहीं रोक पाई। उन्होंने अपना काम जारी रखा। उन्होंने बताया कि किसी तारे की रोशनी को
अगर टेलीस्कोप में लगे प्रिज्म से गुजारा जाए और उनकी रोशनी को बढ़ा करके देखा जाए तो रंगों का एक बैंड बन जाता है जिसमें इसके सारे रंग दिखाई देते हैं। लाल रंग की किरणें एक छोर पर होती हैं और बैंगनी रंग की किरणें दूसरे छोर पर। ये उस तारे का स्पेक्ट्रम होता है। इसमें बारीक और गहरे रंग की लाइनें होती हैं, जिन्हें अगर प्रयोगशाला में मौजूद पदार्थों के स्पेक्ट्रम से कंपेयर किया जाए तो यह साबित हो जाता है कि हमारे पृथ्वी पर भी वही एलिमेंट्स मौजूद हैं जो करोड़ों किलोमीटर दूर मौजूद तारों में हैं। स्पेक्ट्रल पैटर्न के आधार पर तारों को क्लासिफाई करने में एनी जंप कैनन को कई साल लगे थे। उन्होंने तारों को 7 मेजर ग्रुप्स में बांटा था। एक ही जैसे स्पेक्ट्रल लाइंस वाले तारे भी कुछ मायनों में एक दूसरे से अलग होते हैं, इसलिए उन्होंने हर ग्रुप को नंबर वाले 10 छोटे ग्रुप में बांट दिया था। 9 मई 1922 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने आधिकारिक रूप से एनी के स्टिलर क्लासिफिकेशन सिस्टम को अपना लिया। इस सिस्टम में कुछ माइनर चेंजेस किए गए हैं, लेकिन एनी का तरीका आज भी इस्तेमाल किया जाता है। 1940 में एनी जंप कैनन रिटायर हो गई, लेकिन अपनी रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि अपनी मौत के कुछ दिनों पहले तक भी वो अपनी रिसर्च कर रही थी। 13 अप्रैल 1941 को 77 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई और अपने पीछे छोड़ गई एक विरासत जो आज भी एस्ट्रोनॉमी की किताबों में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाती है। एनी जंप कैनन न सिर्फ लड़कियों के लिए बल्कि दुनिया भर के सभी एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक प्रेरणा है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि शारीरिक हो या सामाजिक, कोई भी बाधा हमारे सपनों और इच्छा शक्ति से बड़ी नहीं होती। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि आपने इस कहानी से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा